गोरखपुर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आज दूसरी बार जिले में संक्रमितों की संख्या 200 के पार पहुंची है। इससे पहले 238 मरीज एक दिन में सर्वाधिक मिल चुके हैं। शुक्रवार को 211 नए मरीज मिले हैं, साथ ही एक संक्रमित बुजुर्ग की मौत हो गई है। इन मरीजों में 2 निजी डॉक्टर और 2 सरकारी डॉक्टर समेत हेड पोस्ट ऑफिस के 25 कर्मी शामिल हैं। इसके बाद से जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3194 पहुंच गई है, जिनमें 1480 एक्टिव मरीज हैं, जबकि 640 मरीज होम आइसोलेट में ठीक हो चुके हैं। मौत का आंकड़ा 69 पहुंच गया है। आपको बता दें, सीएमओ कार्यालय तक कोरोना संक्रमण पहुंच चुका है। सीएमओ समेत 2 एडिशनल सीएमओ कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। शुक्रवार को 2 सरकारी और 2 निजी अस्पताल के डॉक्टर और संक्रमित मिले हैं। इनमें 1 सरकारी डॉक्टर की पत्नी और 6 साल का बेटा भी शामिल है। इसके अलावा शहर में हेड पोस्ट ऑफिस एक साथ 25 कर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद से कार्यालय में हड़कंप मच गया, जिसमें शहर के गोरखनाथ क्षेत्र के साथ नंदानगर 2, बिक्षिया 10, अंधियारी बाग 1, बसंतपुर 2, जिला अस्पताल का 1 कर्मी, खूनीपुर 2, शाहपुर इलाहीबाग 1, जाफरा बाजार 2, कालेपुर 1, तारामंडल 1, रोडवेज के 2 कर्मी, राजेंद्र नगर में 3, गीता वाटिका में 2, अस्थाई जेल में 4, मोहद्दीपुर 3, नथमलपुर, पहाड़पुर, दीवान बाजार, झारखंडी जंगल, शलिक राम, चरणलाल चौक में 1-1, बेतिहाता 5, चांदपुर कॉलोनी, दिलेजागपुर, पैडलेगंज वार्ड नंबर 58, आर्यनगर सिविल लाइन, शास्त्रीपुरम, राजनगर, इस्माइलपुर, तिलोकपुर में 1-1, मियां बाजार 2, रुस्तमपुर 1, चुन्नीपुर 1, रायगंज 1, पुराना गोरखपुर 3, शास्त्री नगर, जटेपुर और सदर में 1-1 मरीज मिले हैं। साथ ही ग्रामीण इलाकों में मिले मरीजों में बांसगांव के उनवल में 1, परसिया 2, बांसगांव 1, भटौली बाजार 1, बड़हलगंज 1, भटहट के सरैया में 5, तरकुलही में 1, कैंपियरगंज के धर्मपुर में 2, चौमुखा 3, कैंपियरगंज 3, चरगावा के सिमरा, गुलेरिया यादव टोला में 1-1, विकास नगर 2, पादरी बाजार 4, गगहा 1, गोला के भियोन में 1, जंगल कौड़िया के मंडारों में 1, पाली के लिहुआ खोर में 1, पिपराइच में 10, पिपरौली के गीडा में 7, निवास में 2, पिपरौली 2, सहजनवा के किसोपुर में 2, सरदार नगर में 3 मरीज मिले हैं। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि संक्रमितों के परिजनों और उनके संपर्क में आने वाले मरीजों की कोरोना जांच कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि जिन जगहों पर पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, उन लोगों को चिन्हित कर हॉटस्पॉट घोषित करने के बाद सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम आगे की कार्रवाई में जुट गई है।